तो लॉकडाउन में फ्री टाइम में हर किसी ने अपनी हॉबीज पे काम किया, हर किसी ने अपनी स्किल्स को निखारा, और सबसे ज्यादा स्किल जिस पे सब लोगों ने काम किया वो थी कुकिंग। तो अगर आपने भी काफी कुछ सीख लिया है और अब एक मंच ढूंढ रहे हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने का, तो आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है JCI क्लब, जो कि ऑर्गेनाइज करा रहे हैं करनाल का पहला कुकरी शो, जो कि खाना खजाना की तरफ से होने वाला है। सीजन 11 होने वाला है किचन चैंपियन का। तो आप लोग भी पहुंच सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन है। आप जेंट्स हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। आपको यहाँ पे पहुंचना है, एक अच्छा आपको मंच मिलने वाला है, पूरा दिन जो है फन फील्ड एक्टिविटीज का होने वाला है, गेम्स होने वाली हैं, परफॉर्मेंसेस होने वाली हैं। और मैं बता दूं कि यहीं जूल्स में तारा हॉल में ये जो है कुकरी शो होने वाला है। आप सब यहाँ पे पहुंच सकते हो 27 अप्रैल को। बाकी मैं ज्यादा नहीं बताती, ये सब JCI के मेंबर्स हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और मैं बताना चाहूंगी कि फेमस फूड राइटर सरिता खुराना जी हमारे साथ हैं, जो 27 साल से संजीव कपूर जी के साथ एसोसिएटेड है। उनसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्योंकि वही जो है कहीं ना कहीं इस शो को ऑर्गेनाइज करा रही है। मैम, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? दर्शकों को मैंने पहले भी बताया कि मेरा जो मेन मोटो है, पोषण को अपनाना है, भारत स्वस्थ बनाना है, और जो करनाल का जो हिडन टैलेंट है उसको ब्रिंग आउट करने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा जो उठाया है, लाइक डबल चाबी बासमती राइस ने, और करनाल एजाइल जो JCI हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और इससे सबसे बीड़ा उठाया हमारा डॉक्टर सोनी ने, जो हमारे साथ एसोसिएट हुई हैं, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो जो काम कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लाइक मैं तो चंडीगढ़ में हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैंने इनको एक छोटा सा एक बोला था, मुझे एक रिक्वेस्ट किया था छोटा सा, तो उन्होंने मेरी को एक्सेप्ट किया और मुझे करनाल में आने का मौका मिला। आई एम ग्रेटफुल टू एंटायर टीम ऑफ JCI करनाल एंड हमारे साहिल भैया और एजाइल। यस यस राइट। एंड मुझे मौका मिला है, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड ओवरवेल्म्ड टुडे। थैंक यू। करनाल में पहली बार ये कुकरी शो होने वाला है, और मैम थोड़ी डिटेल्स दर्शकों को दीजिए, कहाँ पे होने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगा और क्या क्राइटेरिया रहेगा जो लेडीज या जेंट्स इंटरेस्टेड है इसके लिए? अमलीना अरोड़ा जैसे करनाल जाए चेयरपर्सन, तो मैं यही बताना चाहूँगी, जैसे हमारे शेफ जी ने अभी आपको सारी मैक्सिमम डिटेल्स बता दी है, मैं ये बताना चाहूँगी कि 27 अप्रैल को कमिंग थर्सडे को ये हमारे होटल ज्वेल्स में तारा हॉल में होने जा रहा है। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन फॉर ऑल, और इसमें 3 कैटेगरीज होगी। फर्स्ट इज हमारा होगा इसमें स्नैक्स, सेकेंड मेन कोर्स, एंड थर्ड इज डेजर्ट केक एनी काइंड ऑफ। ठीक है, तो आप इसमें हम आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हमारे यहाँ पे 2 नंबर है, 999-611-0940, एंड सेकेंड नंबर इज 9896-47900। आप इन दोनों नंबर पे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, और ये डबल चाबी प्रेजेंट और को पावर्ड बाय करण मसाला के थ्रू हो रहा है, और एसोसिएट विद जैसे करनाल एजाइल। तो आप जितने मैक्सिमम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और मैक्सिमम आप आइए, क्योंकि ये होम कुक से लेके हमारे शेफ बनने तक का सफर स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू फॉर ऑल। तो बिल्कुल, अभी तो आप घर पे बनाती हैं, हाउसवाइफ हैं, या उतना कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है। इसी के साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये थी कि जो दादी नानी के टाइम वाला खाना होता था, या वो दास्ता जो हम भूल गए हैं, ये क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को इससे अवगत कराइए। देखिए, फूड डे वन से, जब से हम पैदा हुए हैं, खाना ही खा रहे हैं, और कुछ ना कुछ पी के तभी हम जिंदा हैं। तो मेरा मानना है कि डे बाय डे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, कभी रेसिपीज वही हैं, दादी नानी वाली हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके हम अपने, मतलब बच्चे जंक फूड ना खाएं, उन्हीं को बर्गर भी खिलाना है तो, लेकिन उन्हीं की वे में खिलाना है, ताकि हेल्दी उसमें एडिशन हो जाए, लाइक चीज़ या कुछ भी आप हेल्दी वेजिटेबल्स डाल के, तो आप उनको घर बना के खिलाएं। तो प्लेटफॉर्म हमारा यही है कि आप आएं, जितनी आपने कोविड में, मतलब छोटे छोटे बच्चों ने भी कुकिंग की है, मम्मियाँ अगर घर संभालती थी तो बच्चे जो हैं किचन संभालते थे, और बच्चों ने भी काफ़ी टैलेंट बाहर दिखाया। तो मैं चाहूँगी कि सब आएँ 27 अप्रैल को, यहाँ हमें ज्वाइन करें, ऑनवर्ड्स 4 PM है हमारा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मौका है, आप सब भी यहाँ पे पहुँच सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो। मैम, आप क्या कुछ बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों? एक्चुअली कोविड में कुछ भी नहीं बचा है, हमारे सामने सब कुछ आ चुका है कोविड में, तो मैं तो इतना ही चाहूँगी कि सब भर भर के आए, अपनी डिशेस घर से बना के लानी है, आपको यहाँ आके कुछ मेहनत नहीं करनी है, आपको अभी हम बहुत टाइम दे रहे हैं, आप सोचिए कि आपकी कौन सी डिश बेस्ट है जिसको आप प्रेजेंट कर सकती है, और जो अवार्ड विनिंग डिश कहला सकती है आपकी, तो आप आएँ, वो डिश बना के लाएँ, हमें भी टेस्ट कराएँ, और हमें भी सिखाएँ वो कैसे बनाई है। अच्छा, अवार्ड से मुझे याद आया कि शायद सब लोगों को आप प्राइजेस, हम सबको रिटर्न गिफ्ट्स भी देने वाले हैं, सबके लिए एंटरटेनमेंट
होने वाला है, क्विज राउंड्स होने वाले हैं जिसमें सबको अगेन प्राइजेस मिलने वाले हैं, तो बहुत फन फिल्ड इवनिंग होने वाली है, तो आप आए जरूर आए। और ये मैम हमारी हैं जो जज मैम हैं सरिता खुराना जी, ये सबको ट्रॉफीज भी देंगी जिसमें एक्चुअल में रिकॉग्निशन आपकी पूरे करनाल के सामने होगी, और इसके बाद एक फिनाले राउंड होगा आगे चंडीगढ़ में जिसमें आप फर्दर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है जिसमें आप एक्चुअल किचन चैंपियन कहला सकते हैं, तो प्लीज़ आए ज़रूर आए और इस मेमोरेबल इवनिंग का फ़ायदा उठाएं। तो अपनी कुकिंग की प्रतिभा को दिखाने का, निखारने का, जीतने का और सम्मान लेने का अच्छा मौका ये आपको JCI क्लब कहीं ना कहीं देने वाला है। आपको पहुंचना है 27 अप्रैल को जूल्स के तारा हॉल में, 4 बजे से ये कुकरी शो शुरू होने वाला है जो खाना खजाना प्रेजेंट करने वाला है, और साथ ही इसका नाम होने वाला है किचन चैंपियन सीजन 11 2023। मतलब 10 सीजन जो है वो बेहतरीन तरीके से सक्सेसफुल हो चुके हैं, अब आपको इसका हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। करनाल का पहला कुकरी शो ये होने वाला है, तो पहुंचिए जरूर और अपनी शेफ बनने की जर्नी को शुरू कीजिए। इसके बाद जो फिनाले वो चंडीगढ़ में होगा, हो सकता है आप ही वो लकी वन हो जो चंडीगढ़ तक पहुंच जाएं, और सोचे कितने बड़े लोगों से, कितने बड़े शख्सों के बीच में आप पहुंचने वाले हैं।